पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गोड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम ईयरली प्रिडक्शन करेंगे जो 2023 के लिए होगी, जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 के लिए होगी। तो चलिए चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है उस उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के लिए पास कीजिए ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सकें, इसको पढ़ सकें। तो ये खास तौर पर जो 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच जन्मे हैं उन लोगों के लिए है, और नाम के हिसाब से राशि के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि आपका साल मंगलमय हो 2023, और ये जो राशियां देख रहे हैं वो भी आपकी अच्छी से अच्छी निकले। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी कैसी बताने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 2023 पाइसिस यानी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, ये गाइडेंस के लिए आए हैं। तो ये जनवरी के लिए आया है, तो हो सकता है कि जनवरी में आपको कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे होंगे वहाँ पर, उनको लगता है कि यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ मैं स्टेबल नहीं हूँ, यहाँ मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। तो जनवरी के महीने में वो अपने आप को यहाँ से जाना पसंद करने वाले हैं, लेट गो करना पसंद करेंगे, यहाँ इस जगह को छोड़ना पसंद करेंगे और वो यहाँ से चले जाना ही ठीक समझने वाले हैं। तो ये 7 of Cups का कार्ड है, तो उनके लिए जाना ही ठीक रहेगा उस समय के लिए। तो वो जगह आप छोड़कर ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको शांति मिले, पीस मिले और परेशानी दुखों से बाहर निकलने की आपको इसमें ज़रूरत है। तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ आपको शांति मिले, पीस मिले, जो जगह आपके लिए बनी ही नहीं है, जहाँ आपको शांति नहीं मिल रही, दुख मिल रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, दुख तकलीफें मिल रही हैं, तो ऐसी जगह रहने में कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आपके अपनों के फ़ायदे के लिए जनवरी महीने में दूरियां बनानी पड़े, छोड़ना पड़े, क्योंकि कई बार बच्चे या बड़े फॉरेन में जाते हैं, कुछ और जगह जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन जनवरी महीने में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशानी, दुख तकलीफ़ महसूस करने वाले हैं, परिवार से दूरियाँ बनाने वाले हैं। वो हो सकता है कि आप अपनों के लिए जा रहे हैं, तो जनवरी में थोड़ा सा परिवार से दूरियां बनने वाली हैं। ये फरवरी, तो मन से मन की बात, आप हो सकता है कि बिजनेस के लिए हो, शादी के लिए हो, कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कोई खुशखबरी, कोई संदेश, कुछ ना कुछ दिल से दिल की बात, कम्युनिकेशन का ये कार्ड है, दिल से दिल की बात का कार्ड है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेंगे, या कोई ना कोई ऐसी बात जिससे खुशखबरी मिल सकती है। कोई जो बिजनेस करते हैं या वेल्थ से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है, या वेल्थ के थ्रू या काम के थ्रू कोई ना कोई शादी का प्रपोजल मिल सकता है। मतलब कोई ऐसी खुशखबरी जो काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे वो फरवरी में आपको ज़रूर मिल सकती है, तो या मिलेगी, तो उसका वेट कीजिए। ये जो अभी तक आप नहीं बोल पाए थे, नहीं कह पाए थे, दिल से दिल की बात आप ज़रूर कर पाएंगे, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, फ़ोन कॉल के थ्रू हो, या कोई रिलेटिव के थ्रू हो, कुछ ना कुछ फरवरी में आपका लकी ड्रॉ लगने वाला है, मतलब अच्छी बात या अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। द मैजिशियन, तो आपके पास मार्च में सभी सोर्सेज होंगे, जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे वही काम आपका बनेगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी
उसमें आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप करेंगे तो यूनिवर्स ही आपको आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और अगर आप डिसऑनेस्ट होंगे तो उसका रिजल्ट भी उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि ये जादूगर का कार्ड है, द मैजिशियन। तो जैसी भावना आप रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप का ये साल, ये मार्च का महीना रहने वाला है। तो आप ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ रहिए ताकि आपका ये महीना अच्छा गुजरे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको थोड़ा सा अप्रैल के महीने में आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, संयम, थोड़ा सा आप इसमें मुंहफट बोलने वाले हैं, कह सकते हैं कि आपकी वजह से के सामने वाले को तकलीफ हो सकती है, आप किसी का मन दुखा सकते हैं, जिसकी वजह से बना बनाया काम आप बिगाड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने काम को बनाना चाहेंगे तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल इसमें रखने की ज़रूरत है। और जो काम आपको परेशान कर रहा है उसको आप काट फेंकेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप पहले ही थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और संयम रखिएगा अपनी भावनाओं पर, और एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे, नई बिगनिंग नई शुरुआत करेंगे, तो अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा जा सकता है। मई, जो आपने काम किया है उसके लिए आप वेट करने वाले हैं, वेट, बेसब्री से इंतजार। तो आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है मई में, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। खास तौर पर पैसे के लिए आप इंतजार करेंगे, लेकिन जितना आप इंतजार कर रहे हैं, जितना आपने कमाया है, जितना आपने मेहनत की है, उसके मुताबिक आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा का वेट कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बेसब्री से बहुत किसी न किसी चीज़ का जो वेट कर रहे हैं उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा अभी के लिए, और धीरे धीरे करके आपका इंतज़ार पूरा हो सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन लग रही है कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इतना इंतज़ार मत कीजिए कि कहीं आपकी तबीयत भी ना बिगड़ जाए, तबीयत ही खराब ना हो जाए। इंतज़ार कीजिए पर इतना नहीं कि उसमें हेल्थ खराब हो जाए। फल उतना ही मिलता है जितना मेहनत की जाती है, या समय के अनुसार ही फल मिलता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जून के महीने में तो सॉरी टू से आपका दिल टूटता नजर आ रहा है। कहीं आपके अपनों के द्वारा हो सकता है कि कोई आपको कोई चोट पहुंचाने वाला है, दिल तोड़ने वाला है, या कोई नुकसान आपका हो सकता है। हो सकता है कि कोई प्यार में धोखा दे सकता है, या किसी काम में धोखा दे सकता है, या हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड भी कोई आपकी छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अपने हार्ट से रिलेटेड ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। तो इस महीने में आप अपने हार्ट पर, जो हार्ट से रिलेटेड हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की इसमें काफ़ी इस महीने में ज़रूरत है। जुलाई, जुलाई के महीने में आपको ग्रुप में जिन लोगों ने काम किया है उनको काफ़ी फायदा होने वाला है, या ग्रुप में मिलकर आप काम करने वाले हैं, ग्रुप में रहने वाले हैं, शेयरिंग में रहने वाले हैं, या फैमिली सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कह सकते हैं कि फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा, आप फैमिली के साथ रहने वाले हैं, तो या जो जिन्होंने बिजनेस साथ में मिलकर काम किया है, या फाइनेंस में काम किया, मतलब जिनका भी ग्रुप के साथ कुछ लेन देन रहा है, ऐसा कुछ उनमें, उनका ज़्यादा मतलब ये महीना अच्छा रहने वाला है। जुलाई का महीना, जुलाई, अगस्त, अगस्त में थोड़ा सा पैसे से लेकर थोड़ी सी तंगी महसूस आपको होने वाली है, और आपको लगता है कि आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं, कोई आप किसी पर यकीन नहीं करने वाले हैं, आपका आप अपने विश्वास को डगमगा मगाने वाले हैं, आपको लगता है कि
आप अपना विश्वास खोने वाले हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आपको अपने साथी मिलेंगे। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने आपके थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक का भी एक कार्ड बनता है। इधर लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपके अपनों ने ही आप पर थोड़ा सा कुछ एनवायरनमेंट आपका ठीक नहीं लग रहा, टूना टोटका भी इसमें कहा जा सकता है क्योंकि ये कार्ड्स आपके ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा भी इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ठीक करवाने की इसमें ज़रूरत है। थोड़ा सा देखिए, जांच पड़ताल कीजिए या गूगल धूप वगैरह दीजिए, घर में हो सके तो हवन कीर्तन करवाइए और अपने आसपास की एनर्जी को ठीक करवाइए, और जैसे भी आप कर सकें क्योंकि जुलाई और अगस्त का महीना, अगस्त और सितंबर ये दोनों ही महीने आपके फेवर में नहीं दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होती दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ गलत होता दिखाई दे रहा है, आपके अपनों के द्वारा ही धोखा आपको मिल रहा है। तो आपको इन दोनों महीनों में सावधान रहने की, सतर्क रहने की इसमें ज़रूरत है। तो ये दो महीने आपके खास तौर पर अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अक्टूबर जस्टिस, ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का है जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होगा। अक्टूबर में जाकर आपको न्याय मिलेगा, जो आपने कर्म किए हैं उसके साथ फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए थे तो आपको इसका न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ छल कपट किया है, उसका फल उसको मिलेगा। अगर आपने उनके साथ अच्छा किया था तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने उनको धोखा दिया था तो आपको उसका भी फल मिलेगा। इसमें भी यही है कि तो इसमें आपके साथ न्याय होने वाला है, कर्मानुसार फल मिलने वाला है। तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। जो जुलाई अगस्त और सितंबर का जो आपके कार्ड्स आए हैं, जो दिख रहा है कि किसी ने कोई आपके साथ छल कपट किया है, कोई धोखा दिया है कोई, लेकिन फिर भी आप इसमें है, ये टेन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है जो सितंबर के महीने का है, तो इसमें आप उठकर चलने की कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। तो जो उठकर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो, और अक्टूबर के महीने में ये आपको न्याय इसमें ज़रूर मिलेगा अगर आपने अच्छा कर्म किया है, तो ये कर्मानुसार फल मिलने का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है कि जो जैसे बोता है वैसा ही फल उसको ज़रूर मिलता है। तो ये नवंबर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपनी लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएंगे, और कह सकते हैं मेंटली और फिजिकली भी आप इसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे। आप पैसे से स्टेबल होने वाले हैं, पैसा अच्छा कमाने वाले हैं, यहाँ आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है, और जितना आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ दान भी आप ज़रूर करने वाले हैं, या आपको दान करना चाहिए क्योंकि आपका पीछे दो तीन महीने काफ़ी कष्टदायक बीतने वाले हैं, काफ़ी दुख परेशानियों से जूझने वाले हैं। तो नवंबर के महीने में काफ़ी आप प्रोग्रेस पर रहेंगे, तरक्की करेंगे, तो उसमें आपको सोच समझ कर जो आप कमा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दान करने की आपको ज़रूरत रहने वाली है। किंग ऑफ कप्स, ये दिसंबर के लिए आया है, तो आप लोगों से प्यार करने वाले हैं, ममता के साथ रहने वाले हैं, काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं, काफ़ी आपको न्याय मिलने वाला है, और दिसंबर के महीने में काफ़ी आप खुश रहने वाले हैं, लोगों को खुश करने वाले हैं, आप काफ़ी इमोशंस में रहने वाले हैं, इमोशनली खुश रहेंगे, लोगों को खुश रखेंगे, प्यार से ममता से हर तरह से आप खूब खुश रहने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, सबको दया भाव से रखने वाले हैं, आप सब पर दया बरसाने वाले हैं, करुणा बरसाने वाले हैं। तो दिसंबर का महीना भी आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये गाइडेंस के लिए आया है,
तो आप जो भी काम करेंगे उस सोच समझ कर, आपको इसमें रुक कर ठहर कर सोच समझ कर डिसीजन लेकर चलने की ज़रूरत है। जो भी आप एक्शन लेंगे जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में एक्शन लेंगे तो इसमें आप नुकसान उठाएंगे। जो अगर कोई सामने वाला भी जल्दबाजी करने की कहता है तो उसको भी आप रुक कर ठहर कर काम करने की सलाह दीजिएगा। जो अगर वो रुक कर ठहर कर काम करते हैं तो उनको भी फायदा होने वाला है, नहीं तो अपने साथ साथ सामने वाले को भी नुकसान हो सकता है और फिजिकली चोट भी आप इसमें उठा सकते हैं। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपका इसमें नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ कर आपको चलने की इसमें ज़रूरत है। तो ये आपकी ईयरली प्रिडक्शन इसमें राशिफल दिखाई दे रहा है। तो भगवान करे आने वाला साल आपका खुशियों से भरा हो। जो कार्ड्स थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखा रहे हैं तो आप उसमें संभल सकते हैं, उसको आप अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।